अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जावेद, आपको अपना चैनल टेक्निकल जावेद पे स्वागत है। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने चल रहा हूँ कि जो पिछले वीडियो बनाया था उसमें कुछ ऐसे सेटिंग अधूरी रह गई थी। मैं उस सेटिंग को कंप्लीट करने के लिए फिर से वीडियो बना रहा हूँ। इस देखिए आगे क्या होता है, मैं कंप्यूटर पर लेकर चल रहा हूँ आपको। चलिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जावेद, आपको अपना चैनल टेक्निकल जावेद पर स्वागत करता है। और इससे पहले जो मैं वीडियो बनाया था उसमें कुछ ऐसी इंटरनली सेटिंग इनकम्प्लीट रह गई थी। मैं उस सारी सेटिंगों को कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फिर से वीडियो बना रहा हूँ। चलिए इसमें फिर हम चलते हैं अब लाइव कंप्यूटर पे और वहाँ चल के आपके सारे सेटिंग के बारे में आपको बताएंगे। चलिए अब देखते हैं इसमें आप हम लोग का सेटिंग क्या क्या हुआ था, क्या क्या बाकी था। सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपना चैनल पे, यूट्यूब स्टूडियो। मेरे पास कोई वीडियो नहीं है, कोई कुछ नहीं, बस एक नॉर्म एक चैनल बनाकर कंप्लीट ऐसे छोड़ दिया गया था बस। अब इसमें हम लोग चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग में चैनल पे क्लिक करेंगे और आप अपना चैनल का इसमें कीवर्ड, जैसे कि आपको अगर कोई चैनल आपका चैनल को सर्च करे तो वो कैसे एक एक क्लिक में आ जाए या यूट्यूब राउंड में आ जाए, उसके लिए यहाँ पे कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि टेक मेरा है टेक्निकल जावेद, तो हम यहाँ कीवर्ड यूज़ करेंगे टेक्निकल जावेद। इसी तरह आप वहाँ पे जितना भी नाम चाहें दे सकते हैं। कीवर्ड का मतलब कि आप का नाम हुआ टेक्निकल जावेद, जावेद टेक्निकल, टेक्निकल यूट्यूबर, इसी तरह मतलब कि ये लोग सर्च करें तो आपका चैनल दिखे, इसका मतलब होता है कीवर्ड। उसके बाद हम चलते हैं नीचे। जैसे आप वहाँ क्लिक करके स्टेप डॉट मारिएगा तो ऑटोमेटिक नाम सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि कुछ भी हम लिख दिए उसके बाद यहाँ एक डॉट किए तो ऑटोमेटिक वो कीवर्ड बन के तैयार हो गया। अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप अपने चैनल से रिलेटेड उसको कीवर्ड तैयार करना होता है। उसके बाद यहाँ हम कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, लोकेशन में इंडिया। उसके बाद हम यहाँ से सेव कर देते हैं। हम लोग चैनल में थे, चैनल में एडवांस आता है। एडवांस में फर्स्ट इसमें आता है कि आपका जो ये चैनल है किड्स परमिशन है कि नहीं, बच्चों के लिए परमिशन है कि नहीं। अगर आप कुछ ऐसा वीडियो डालते हैं जो बच्चों को परमिशन नहीं देते हैं तो यहाँ पे यस और नो पे क्लिक कर देंगे तो बच्चा देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, या आपका दोनों देखने के लिए है तो आई वांट टू इस पे क्लिक करके सेव कर दीजिए। उसके बाद हम चलते हैं एडवांस चैनल सेटिंग पे। मैंने कीवर्ड जो वहाँ डाला हुआ था, देखिए चैनल का कीवर्ड यहाँ पे है। जैसे यहाँ पे एडवर्ड अकाउंट है तो आप ठीक है टेक करिए मोनेटाइजेशन, ये क्या बोलते हैं उसको, एनालिटिक्स के लिए, जैसे कि आपका चैनल कितना चल रहा है, कितना पर मिनट कितना व्यू आ रहा है, कितना क्लिक हो रहा है, ये सब इससे एनालिटिक्स से देखें। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में जानेंगे।
चलिए अब हम देखते हैं, पिछले वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़े थे, इसके आगे सेटिंग में मैं लेके आपको चलता हूँ और देखता हूँ कहाँ कहाँ सेटिंग क्या क्या है, आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले सेटिंग पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जनरल में, जनरल में तो यूएसडी डॉलर डॉलर के बारे में बता रहा है, तो आप यूएसडी डॉलर रहने दीजिए, कोई बात नहीं। चैनल पर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसमें कीवर्ड होते हैं, जैसे कि कीवर्ड ये होते हैं जैसे कि आपका अपना चैनल किस नाम से है, उस हिसाब से वहाँ पे कीवर्ड तैयार करते हैं कि लोग ज़्यादा मतलब सर्च करें तो चैनल मेरा नंबर पे आए, मेरा ऊपर आए। उसी तरह इसमें कीवर्ड अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा लोग, जैसा जो जिसका चैनल होगा उस हिसाब से कीवर्ड तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ कंट्री सेलेक्ट है, तो ऑलरेडी मैं कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर चुका हूँ। उसके बाद मैं चलता हूँ एडवांस पे, एडवांस पे फर्स्ट में आपका है किड्स परमिशन, बच्चों के लिए आपका परमिशन है कि नहीं, जो आप वीडियो बना रहे हैं उसमें बच्चों देखने के लायक है या नहीं देखने के लायक है। अगर बच्चों को नहीं देखने लायक है तो इस चैनल पे यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए, अगर बच्चा देखने के लायक है तो यहाँ कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं बच्चा में, बच्चा को दिखाने में कोई कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे आई वांट टू रिलेवेंट सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं एडवांस सेटिंग, एडवांस चैनल सेटिंग। एडवांस में होता है जैसे कि आप आपका चैनल वेरीफाई है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो यहाँ पे वेरीफाई करना होता है। उसके बाद यहाँ से सेव कर दीजिए। उसके बाद हम ब्रांडिंग में चलेंगे, जैसे कि आप आपका चैनल है उसके आप लेबल लगाना चाहते हैं, जैसे कि चूज इमेज, तो मेरे पास तो ऐसा अभी कोई इमेज नहीं है लेकिन लोगो है, यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए इंटायर वीडियो, मतलब वीडियो के अंदर शुरू से लेकर लास्ट तक यहाँ पे इंटायर पर करेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो चलेगा, या कस्टम टाइम कस्टम स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ ही समय तक चलेगा। जैसे आप देखते हैं कि ऊपर वीडियो पे चलता है YouTube लिखा रहता है, या जिसका चैनल का नाम रहता है वो नाम लिखा रहता है, वहीं यहाँ पे लोगो तैयार किया जाता है। ठीक है, सेव कर देते हैं। इसके बाद हम चलते हैं फीचर एलिजिबिलिटी, इसमें आप किस किस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं उस चीज़ के बारे में इसमें बताया गया है। पहला, आप अपलोड कर सकते हैं वीडियो, एलिजिबल हैं। मोनेटाइजेशन एलिजिबल, तो इसमें आप इनेबल नहीं हैं। जो जो ग्रीन हो चुका है उस चीज़ में आप एलिजिबल हैं। इसके बाद चलते हैं अपलोड डिफ़ॉल्ट। अपलोड डिफ़ॉल्ट में क्या है कि जैसे कि आप यहाँ सेट कर देते हैं कि कोई भी वीडियो आए तो ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट में चला जाए, जैसे कि आप टाइटल जो कुछ मतलब यहाँ लिखना चाहें तो ऑटोमेटिक हो, जैसे वीडियो अपलोड करेंगे वहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद एडवांस सेटिंग, लाइसेंस, कैटेगरीज। कैटेगरीज में जैसे कि आपका निश, कौन सा निश पे है आपका ये चैनल, वो इसमें सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि कोई डिज़ाइनिंग होता है उसमें पे किया जाता है। उसके बाद सेकंड है आपका ऑटो व्हीकल, जैसे कि इसमें ऑटो कार ये सब गाड़ी का रिव्यू करते हैं, वो अगर उससे रिलेटेड आपका चैनल बनाना चाह रहे हैं तो ऑटो व्हीकल में जाएगा। जैसे म्यूजिक में आप बनाना चाह रहे हैं चैनल तो म्यूजिक, इसी तरह इसमें बहुत सारे कैटेगरीज हैं, इसको चूज करके आप बना सकते हैं, जिसमें आपका इच्छा हो, जिसमें ज़्यादा रुचि हो उसमें आप बना सकते हैं अपना चैनल। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कैटेगरी, कैटेगरी चूज करना। उसके बाद वीडियो लैंग्वेज,
हिंदी इंग्लिश, मतलब जिस लैंग्वेज में आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वही लैंग्वेज होगा। उसके बाद कैप्शन सर्टिफिकेट, उसको ऐसा ही रहने दीजिए। कम्युनिटी यान ऑन कर दीजिए। इसमें कमेंट, अगर जो कमेंट लोग कर रहा है अगर बिना देखे आप उसमें अलाउ कर रहे हैं तो अलाउ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या इसमें ये कह रहा है कि होल्ड ऑल कमेंट, होल्ड ऑल कमेंट में होता है जैसे कि आपको कोई कमेंट कर रहा है वीडियो पे, अभद्र अभद्र कमेंट कर रहा है, उसको आप ब्लॉक करके इसमें रख सकते हैं। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद परमिशन में चलते हैं। परमिशन में कोई खास परमिशन नहीं है। कम्युनिटी, अलाउ कमेंट, ऑटोमेटेड फिल्टर। वो ऑटोमेटेड फिल्टर में होता है जैसे कि अभी इसमें पहले परमिशन बताया था मैं, क्या बोलते हैं उसको, कमेंट ब्लॉक करने के लिए मैं पूछ रहा था ना, वही चीज़ इसमें है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ लोगो मेरा सेट करना है, कस्टमाइज चैनल, सबसे इम्पोर्टेंट ये है जैसे कि आपका लुक अच्छा लगे, आपका चैनल का डिज़ाइन अच्छा हो, इंटरेक्टिव हो। इसके लिए आप अपना एक पर्सनल प्रोफेशनल लोगो बना लीजिए। उसके लिए बहुत सारे वेबसाइट हैं, बहुत सारे ऐप हैं जिसके तहत आप इजी वे में लोगो बना सकते हैं। पहले हम इसमें आपको एक नॉर्मल डेमो के तौर पे एक लोगो डाल के दिखा देता हूँ। कभी भी आप लोगो बनाइएगा तो हमें ही रिकमेंड करेंगे कि आप एस्क्वायर लोगो बनाइएगा। सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे अपना कंप्यूटर में जिस पाथ पे रखे हों, उसके बाद मैं इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। एस्क्वायर से बेनिफिट रहेगा कि देखिए ये मेरा कट गया, एस्क्वायर रहेगा तो नहीं कटेगा, ठीक है। कभी भी लोगो एस्क्वायर ही लेता है, जैसे 400 × 400, 500 × 500, उतना भाई उतना के लोगो लीजिएगा तो सपोर्ट इसमें अच्छा करेगा। अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो मेरा लोगो यहाँ पे आके लग जाएगा, लग गया यूट्यूब का लोगो। उसी तरह यहाँ पे आपका बैनर कंप्यूटर पे किस तरह दिखे, मोबाइल पे किस तरह दिखे और टीवी पे किस तरह दिखे, बैनर यहाँ बनाना पड़ता है। बैनर यहाँ लगा लीजिए। अभी तो मेरे पास कोई ऐसा बैनर नहीं बना हुआ है। यहाँ पे एक और देखिए कि इसका रिक्वायरमेंट करता है कि कितना एंगल में होना चाहिए, कितना बाई कितना का, तो देख लीजिए साइज इसका। ज़्यादा से ज़्यादा इसका साइज 6 MB का होगा। इसी तरह इसमें और सारे सेटिंग हैं। अबाउट सेक्शन, अबाउट सेक्शन में जैसे कि आपका किस निश पे चैनल है, क्या क्या इस चैनल के माध्यम से आप बताना चाह रहे हैं, वो सारे चीज़ इसमें लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस इंक्वायरी, मतलब ईमेल आईडी यहाँ पे डालना कंपलसरी है। जैसे कोई आपका स्पॉन्सरशिप के लिए कोई लोग मेल करे, कोई कंपनी मेल करे, उसके लिए कॉन्टेक्ट सपोर्ट में आपको ईमेल आईडी डालना कंपलसरी है। यहाँ डिस्क्रिप्शन में वही चीज़ जैसे कि मैं आपको बताया था कि चैनल मतलब किस हिसाब से बना है, क्या है आपके चैनल में, उसके लिए बैनर के बारे में हो गया। उसके बाद हम चलते हैं वीडियो पे।
वीडियो में जैसे कि आपको वीडियो अपलोड करने की ऑप्शन कह रहा है, सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे वीडियो अपलोड वीडियो। जैसे कि आप जिस लोकेशन पे वीडियो बना कर रखे हैं वो पाथ खुल जाएगा इसमें, तो मेरे पास अभी तो इसमें कोई वीडियो बना के रखा नहीं हूँ मैं, तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे और अपलोड कर देंगे, डायरेक्ट हो जाएगा। लगभग लगभग सारे सेटिंग कंप्लीट हो चुके हैं, इसमें ऐसा कोई सेटिंग ना हो जो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो। बस इसी के साथ मैं अपना वीडियो को पुश करता हूँ, इसके बाद आपको नेक्स्ट में, मैं पिछले वीडियो में बताया भी था कि निश निश क्या है, इसमें भी आपको निश के बारे में कुछ बताया हूँ, कैटेगरी जैसे है, किस कैटेगरी पे आपका चैनल है। सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए यही रहता है कि आप किस फील्ड में ज़्यादा जागरूक है, ज़्यादा जानकार हैं, किस चीज़ में आप मतलब एक्सपर्ट हैं, उस चीज़ के बारे में ही आप चैनल बनाइए। उस मैं कैटेगरी में भी बता भी दिया हूँ कि कौन कौन सा कैटेगरी है, जैसे गेमिंग है, स्पोर्ट है, हेल्थ है, एजुकेशन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जैसे कि आपको जिसमें रुचि है, एनिमेशन है, बहुत सारे कैटेगरीज है यूट्यूब पे, बहुत सारे ऐसे वीडियो मेरे जैसे बहुत लोग भी वीडियो बनाते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि बहुत ऐसा चीज़ होता है कि आपको जानकारी है हमें नहीं है, हमें जानकारी है और आपको नहीं है, वही चीज़ के लिए हम अगर वीडियो बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, मेरा वीडियो बनाने से मकसद क्या है, बहुत सारे ETC बात, बहुत बहुत सारे बातें रहते हैं। तो बस आप ये समझ लीजिए कि जिस चीज़ में आप ज़्यादा रुचि रखते हैं उसी टॉपिक पे आप चैनल बनाइए और उसी को हम निश कहते हैं। तो बस इसी बात से मैं अपना बात को विराम लेना लेता हूँ, और जो मेरे बात से आपको युवा होगा उसके लिए चलिए इसी बात से बाय बाय, थैंक यू। जो लोग मेरे शुरू से लेकर अभी तक वीडियो पे बने हुए हैं उसके लिए शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।